कैसे हैं आप सभी। तो फिर से आप सभी का अपना अपना YouTube चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट क्लास में जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक जो परसेंटेज का पीडीएफ हमने आप लोगों को प्रोवाइड किया है वहां पे क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से उसका सॉल्यूशन देखेंगे और फिर आगे आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया अपना कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कहता है कि बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है, यानी एक बी है और ए है, तो बी की तुलना में ए की आय 25% ज्यादा है। 25% का मतलब होता है 1/4, हम सभी जानते हैं, ठीक है। 25% का मतलब होता है 1/4। अब 1/4 अगर होता है तो बताइए ज्यादा किसका है, बी की तुलना में ए की आय ज्यादा है, यानी अगर ये 4 होगा तो ये कितना होगा, 5, ठीक है, क्योंकि 4 इसका होगा, 1 ज्यादा होगा, यानी 5 होगा। क्लियर है आपको, समझ में आ रहा हो। अब आगे देखिए, फिर कहता है सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% कम है, तो यानी सी की आय जो है, जो सी है वह ए प्लस बी के कुल आय, तो ए प्लस बी का कुल आय कितना है, 9, तो 9 से कितना कम है, 65% कम है, यानी दोनों के कुल आय से 65% कम है। इसका मतलब ये हुआ कि 35% होगा, क्योंकि 65% कम है, तो 65% को हम 100% से हटा देंगे तो इसका मतलब 9 का 35% यानी 35/100 कौन होगा, इस सी होगा, सी यानी इस कहता है कि सी जो है वह ए और बी के कुल आय का 65% कम है, यानी 35%। अब देखिए, तो अब लास्ट में कहता है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो अब हमें बी से कुछ भी लेना देना नहीं है, अब हम मतलब है सी और ए से, तो सी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, तो अब इस दोनों का हम जब रेशियो बनाने चलेंगे तो 5 7 35 कटेगा और ये 100 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 है कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 100 से 1 का गुना हो जाएगा, तो 100/ कितना हो गया, 63। अब आप देखो ए है 100 और सी है 63, तो सी कितना कम है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ए की आय है 100 और सी की आय है 63, तो कितना कम हो गया, 37 कम हो गया। तो ए की आय से क्वेश्चन में ये क्लियर करना है कि सी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो ए की आय से पूछ रहा है तो 37 कम है, ए की आय है कितनी, 100, 100 से 37 कम है, हम जानते हैं कि 100 पर कोई भी चीज उतना ही परसेंट होता है, या ऐसे भी हम देख सकते हैं, ऐसे भी इसका आंसर कितना आएगा, 37%। वैसे हम यहाँ पर ये करने की जरूरत भी नहीं थी, इसे हम डायरेक्ट कर लेते कि भाई 100 से ये 63 है, 37 कम है, तो 100 पर हम 37% निकालेंगे तो 37% ही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ए बी से 20% कम है जबकि सी से डी 20% अधिक है, यदि डी ए से 25% कम है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ए बी से 20, यानी हम देखते हैं ए अनुपात बी ज्यादा देखते हैं, ए जो है वह बी से 20% कम है, तो 20% का मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि 1/ क्या होता है, 5, तो ए जो है वह बी से कम है, तो इसका मतलब अगर बी 5 होगा तो ए कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। जब फिर कहता है सी जो है वह डी से 20% अधिक है, तो सी अनुपात डी करते हैं, जरा इसको देखिए, सी जो है वह डी से 20% अधिक है, यानी ये 5 होगा तो ये कितना होगा, 6 होगा। क्लियर है, फिर आगे देखिए नेक्स्ट बात कहता है कि नेक्स्ट कहता है कि डी ए से 25% कम है, तो हम 25% का फ्रैक्शन तो हम जानते हैं 1/4 होता है, तो डी जो है वो ए से 25% कम है, तो डी रेशियो ए अगर ए की वैल्यू होगी 4 तो इसकी वैल्यू होगी 3, ठीक है। अब यहां से अगर हम कैंसिल करेंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इधर भी कैंसिल कर देते, देखो 4 से 4 18 रेशियो क्या बना, 25, और इधर पर क्या बन गया, इधर हमारा बच गया सी रेशियो बी, ठीक है, सी इस तरफ है तो सी बी
इस तरफ है तो बी इस तरफ, ठीक है इस तरीके से। तो हमको इस चार ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके डिस्प्ले में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वहां से देख सकते हैं ऑप्शन, चार ऑप्शन वहां पे गिवन है। तो इसको हम पहले इसको यहाँ पे दशमलव दशमलव, तो हम इसको क्या करते हैं थोड़ा सा आसान करने के लिए हम इसको 100 बना लेते हैं। इसको 100 बनाएंगे तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई तो ये 100 हो जाएगा। तो इसको भी यहाँ 4 से किया, यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा, यहाँ 4 से करेंगे तो 72 बन जाएगा, 72 अनुपात कितना हो गया 100। तो अब कहता है कि सी जो है वह बी, तो इस चार ऑप्शन में क्या है, चार ऑप्शन से कौन सा, देखिए सी जो सी बाई बी, ये इस रेशियो को अगर हम लिखेंगे तो सी बाई बी बराबर हो जाएगा 72/100, और B आ जाएगा यहाँ पर, B अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो B आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या वाला क्या आ गया C, यहाँ से B हट गया, यहाँ पर बचा C, और ये फाइनली देगा C इक्वल टू 0.72, 0.72 B, ये हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका B करेक्ट आंसर हो गया, इसी ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी इक्वल टू 0.72, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि चीनी के मूल्य में 15% की कमी हो जाने की वजह से एक ग्राहक 1258 रुपए में 7.4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो देखिए चीनी के मूल्य में कमी आई, एक बात तो आप पहले समझ लीजिए कि प्राइस गुना जितनी कीमत हो, ठीक है, यानी जो रेट होता है, रेट मतलब प्राइस, प्राइस गुना आप जितनी मात्रा में खाएंगे क्वांटिटी, वही आपका खर्च होगा एक्सपेंडिचर, ठीक है, वही आपका खर्चा होगा। तो आप जरा इस बात को समझना, ये दोनों अगर हम इसको खर्चा को, यानी अगर कहें तो देखिए कीमत गुना मात्रा इक्वल टू होता है खर्च, इक्वल टू होता है खर्च, ऐसे समझिए कीमत गुना मात्रा बराबर होता है। अगर हम इसको फिक्स कर दे, खर्च हम फिक्स कर दे, जैसे किसने फिक्स कर दिया है, खर्च अगर हमारा फिक्स है कि हम इतना ही पैसा खर्च करेंगे, तो ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी व्युत्क्रमानुपाती। जैसे कि अगर कीमत चार, अगर हमारे लोग हम खर्चा फिक्स कर दिए कि हम 20 रुपया ही खर्चा करेंगे, तो अगर हम 20 रुपया ही खर्चा करना चाहते हैं, तो अगर कीमत 4 रुपये प्रति किलो है तो हम 5 किलो खा पाएंगे, और अगर कीमत बढ़ गया, कीमत अगर 5 रुपया हो गया, तो फिर हम कितना खा पाएंगे, 4 केजी ही खा पाएंगे। यानी देखिए कीमत अगर 4 से 5 होता, ठीक है, कीमत सॉरी एक मिनट, कीमत अगर पहले 4 था तो हम 5 किलो खा पाते थे, और जब कीमत 5 किलो हो गया तो हम 4 किलो कीमत खा, क्यों, क्योंकि हमारा खर्चा 20 रुपया ही रखना है, अगर कीमत 5 रुपये हो गया तो 4 किलो ही खरीदो, तो अभी तो बराबर 20 रुपया खर्चा होगा, और यहाँ 4 रुपये कीमत था तो 5 किलो खाओ 20, यानी क्योंकि इसको हमें फिक्स रखना है। तो जब कीमत 4 से 5 होता है तो मात्रा 5 से 4 हो जाता है, यानी कहा जाए कि अगर प्राइस 4:5 में बढ़ेगा तो मात्रा 5:4 में घटेगा। क्लियर है, ये घटेगा ये बढ़ेगा, मात्रा घटेगा, ठीक, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी था, इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि चीनी के मूल्य में 15% की कमी हो जाए, तो 15% की फ्रैक्शन बता दे, 15% की फ्रैक्शन क्या होता है, 3/20, ठीक है। तो चीनी के मूल्य में कमी आई है, यानी प्राइस जो है, प्राइस यानी कीमत जिसको बोलते हैं, अगर कीमत क्या हुआ है, घटा, यानी 20 से कितना हो गया कीमत, 17, ठीक है, यानी 20 रुपये पहले कीमत था, 3 घटा तो 17 हो गया, ठीक है। अब कहता है तो आप बताओ कि जब ये कीमत ये हुआ है, तो जो हम मात्रा जो खाएंगे क्वांटिटी का, वो कैसा हो, कितना हो जाएगा, 17 से 20, यानी पहले 20 से अब कीमत 17 हुआ, तो हम जो पहले 17 खाते थे हम कितना खाएंगे, 20 खाएंगे, ठीक है। तो कितना ज्यादा खाएंगे हम, 3 यूनिट हम ज्यादा खाएंगे, कितना यूनिट, 3 यूनिट हम ज्यादा खाएंगे पहले से,
क्योंकि कीमत घट गया है, कीमत पहले 20 रुपये था 17 रुपये हो गया, तो हम 17 पहले खाते थे 20 खाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विरुद्ध करना पड़ता था। तो 3 यूनिट की, अब ये क्वेश्चन में कहता है कि 3 नहीं, क्वेश्चन में 3 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 7.4 किलो चीनी अधिक, यानी 3 की वैल्यू जो है वह 7.4 kg अधिक, यानी हमारा आया 3 यूनिट, 3 kg अगर रखा है क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 7.4/3। अब क्वेश्चन में कहता है कि व्यक्ति जो ग्राहक है वो 1258 रुपये उसका खर्चा फिक्स है, यानी वो 1258 रुपये में पहले 17 किलो खाता था, 17 किलो नहीं सॉरी एक मिनट यहाँ से रियल वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो 1 का वैल्यू कितना है 17.4 किलो, तो इसको गुना कर देंगे, 17 की वैल्यू कितनी होगी भाई गुना करो 7.4/3 से, यानी 17 × 7.4/3, इतना kg वह पहले खाता था, अभी कितना खाएगा तो अभी कुछ ज्यादा खाता है, यानी यहाँ पर आपको इसमें गुना करना पड़ेगा 7.4/3 से, क्योंकि 1 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आई इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है ये, तो 20 अभी कितना खा रहा है पहले कितना खाता था, कितना रुपया है, कितना रुपया में क्वेश्चन दिया हुआ 1258 रुपया फिक्स है, इसी रुपया में पहले अभी इतना खा रहा है क्योंकि रेट कम हुआ है और पहले इतना ही केजी खाता था। तो कह रहा है कि प्रारंभिक मूल्य यानी पहले की चीनी का मूल्य प्रति केजी क्या था, तो मतलब इतना निकाले इतना खाता था, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे 17 × 7.4 × 3, ये दशमलव हटा देते हैं यहाँ पर 10 लगा देते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे तो 74 से कट जाएगा 17 बार और 17 से 17 कट गया, यानी 30 रुपये/kg पहले का रेट था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है तो और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की ही वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब ये देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां से देख सकते हैं। तो यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हुई, क्वेश्चन नंबर 11 कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई है कितने परसेंट की, 24% की, यानी 24% की अगर वैल्यू देखिए तो ये कितना आएगा, जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कट जाएगा 4 × 6 = 24/100, ये 25 × 100 और ये कटेगा 4 × 6 = 24, यानी 6/25, ठीक है, या चाहे तो हम 25 से कितना हो गया 31, एक मिनट इससे आसान होगा कि क्वेश्चन को परसेंटेज से ना बना के क्वेश्चन को हम परसेंटेज में बनाए रेशियो से ना बनाए। देखो 24% की क्या हुई चीनी के मूल्य में वृद्धि, तो 100 रुपए की चीज कितने की हो गई 124 की, ठीक है 124। और आगे कहता है कि वह जो व्यक्ति है वह क्या करना चाहता है, अपनी खर्चा बढ़ाना चाहता है केवल 15%, यानी जो पहले मानो 100 रुपये पहले खर्च करता था 100 रुपया में 100, तो अब उसकी रेट वो समान हो गई कितने की 124 रुपये की, और वो व्यक्ति जो है वह पहले 100 रुपया में 100 ग्राम चीनी खरीदता था, अब वह कहता है कि हम 115 रुपया ही खर्च करेंगे और उसी चीज का दाम कितना हो गया 124 रुपये। तो अब आप बताओ वो व्यक्ति रेट उसका बढ़ के हो गया 124 और वह व्यक्ति अब खर्च करेगा कितना ओनली 115 रुपया, तो कितना कम सामान मिलेगा, देखो 15 × 24 9 रुपए का कम सामान मिलेगा, कितने पर 124 पर, यहां से कम मिलेगा, यहां से रेट अब ये हो गया ना, तो यहां जब रेट चला गया तो यहां से हम वैल्यू को फाइंड करेंगे कि कितना परसेंट कम सामान मिलेगा, यहां से मिलेगा। आप जैसे कि आप दुकान पे गए, आप कहो कि भाई मुझे 10 रुपए का कम ही चीनी देना, जो रेट रहेगा उस रेट पर से उतना ग्राम चीनी आपको कम देगा, ऐसे नहीं कि पहले वाले रेट से, इसीलिए यहां से 9 × 24 कर दो और उन्हें 100, आप इसे चाहे तो फटाफट कैंसिल कर सकते हैं, जब इसे हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 62 × 24 और यहां से 50 × 100 = 31 और ये कितना जाएगा 25 × 50, ठीक है ये चला गया 25 × 225/31 का करेक्ट आंसर है, ठीक 7.3%, ठीक याद है, यानी यहां से डिवाइड कर लेंगे आप 7.3% कम समान है, यही ऐसे ही से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वह टू सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं, पता है यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। तो बेलन का आयतन, सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है पाई स्क्वायर एच होता है। तो हम पहले ही बताए थे कि परसेंटेज में इस कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है, हमें आर स्क्वायर एच यही से। तो यहाँ पर आप देखना जरा क्या होता है, कहता है कि बेलन की यहाँ भी वही कर सकते हैं, क्योंकि देखो आप आर स्क्वायर को जब एच से गुना करेंगे तो क्या आएगा, आयतन, आयतन है क्योंकि पाई आएगा, लेकिन पाई का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, कॉन्स्टेंट चाहिए, हटाओ उसको। तो अब हम देखते हैं ये, अब आयतन को फिक्स रखना है, कहता है कि आयतन पर कोई प्रभाव ना पड़े, त्रिज्या बढ़ेगा तो ऊंचाई घटेगा, फिक्स बात है, लेकिन आयतन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी आयतन को समान रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर बढ़ेगा तो एच घटेगा, तो आर बढ़ किस अनुपात में रहा है, कहता है कि आर जो है बेलन की त्रिज्या 20% की कमी की जाती है, ये घटता है। तो 20% का फ्रैक्शन हम सब लोग जानते हैं 1/5 होता है, तो 5 से क्या हो जाएगा 4, 5 से 4 नहीं होगा बल्कि यहाँ पर आर स्क्वायर आता है, जब आर स्क्वायर आएगा तो ये होगा तो 5/4, लेकिन ये आर स्क्वायर के केस में ये आर होगा 5/4 होगा, लेकिन आर स्क्वायर क्या होगा 25 से क्या हो जाएगा 16, 25 से 16 होगा। तो हम जानते हैं कि ये यहाँ पर एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि आयतन को फिक्स रखना है। तो यहाँ पर जो एच होगा वह 16 से 25 होना पड़ेगा, यानी 16 से 25 होना पड़ेगा, यानी कितना बढ़ेगा 16 9 25 9 बढ़ेगा कितना पे 16 पे, 9 बढ़ेगा कितना पे 16 पे, और गुना कितना जाएगा 100, ठीक है 16 पे बढ़ेगा। तो आप इसे करके देखो एक बार, 8 × 16 = 25, 4 × 8 8 × 16 = 50 × 100, ठीक है 4 × 8 = 25 × 50। अब यहाँ से देखिए 25 नवा में होता है 225/4, ठीक है यहाँ से कट जाएगा 4 × 5 = 20, ठीक 4 × 6 = 24, 56.25%, 56.25, ठीक है, या इसी को हम दूसरे आधार में कह सकते हैं 56/4%, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है 56.25 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रेडियस हम अभी बता रहे हैं कि आयतन फिक्स है, आयतन फिक्स है, तो आर एच जब आर बढ़ेगा तो एच को घटना पड़ेगा, ठीक है जैसे पहले वाला क्वेश्चन था सेम यही कॉन्सेप्ट है। तो 16 से बढ़ाना पड़ेगा 9, 16 पे 9 बढ़ेगा, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 56.25% आंसर है। चलिए तो अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 11 तक इस 12 तक इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर नेक्स्ट अगला जो लेक्चर होगा उसमें आप सारे क्वेश्चन को देखेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।